स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन। पाकिस्तान को उसके घर में हराने के बाद बांग्लादेश की टीम अब भारत आएगी। भारत में बांग्लादेश को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत है वो 19 सितंबर से हो जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट भी दिया जा सकता है, तो वहीं मोहम्मद शमी सिर्फ दूसरे टेस्ट में ही टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल वह अभी दिलीप ट्रॉफी का पहला राउंड तो नहीं खेल रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ शमी का पहला टेस्ट खेलना नामुमकिन नजर आता है। शमी को पहले घरेलू क्रिकेट में वापसी करनी होगी, इसके बाद ही वह भारतीय टीम में लौट पाएंगे। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करते नजर आ सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर भविष्य के कप्तान माने वाले शुभमन गिल भी दिख सकते हैं, तो वहीं 4 नंबर पर विराट कोहली का खेलना तय माना जा रहा है। मिडल ऑर्डर में 5 नंबर पर आपको सरफराज खान खेलते नजर आ सकते हैं। सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ऐसे में उन्हें मौका मिलना तय माना जा रहा है। वहीं ऋषभ पंत की लंबे वक्त के बाद टीम इंडिया में वापसी होगी, ऐसे में ध्रुव जुरेल को बाहर बैठना होगा। वहीं 3 स्पिन ऑलराउंडर और 2 तेज गेंदबाज भी टीम इंडिया की तरफ से दिख सकते हैं। स्पिन विभाग में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की तिगड़ी एक्शन में दिख सकती है, तो ये तीनों स्टार खिलाड़ी बल्ले से भी धमाल मचाने में काफी ज्यादा सक्षम है। वहीं तेज गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज के साथ युवा आकाशदीप एक्शन में दिख सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर एक बड़ा सवाल बना था। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर पहली इनिंग्स में पूरी तरह से नाकाम रहे, दूसरी इनिंग्स में जरूर उन्होंने तेज खेला लेकिन उतना कॉन्फिडेंस वो नजर नहीं आया, जिसके चलते माना जा रहा है कि ऋषभ पंत जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देकर के बैठे हैं दिलीप ट्रॉफी में, उनको जो है बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में वापसी कराई जा सकती है। तो वहीं श्रेयस अय्यर जो है उनको अभी और वक्त लग सकता है टीम में वापसी करने के लिए। वहीं सीरीज के अंदर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पर बहुत ज़्यादा नजरें रहेंगी, क्योंकि पिछले कई समय से उनका बल्ला जो है खामोश है। चाहे हम दिलीप ट्रॉफी की बात कर लें या हम T20 फॉर्मेट की बात करें, तो वहाँ भी शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ऐसे में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, WTC फाइनल होना है, उसके पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना है, और शुभमन गिल जो कि भारत के वाइस कप्तान हैं उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर वो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ में खेलते हैं तो उनका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।